वेलकम टू माय चैनल ड्रीम डॉग। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट संजय मंडल। और आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो कि हमारे पेट्स, हमारे डॉग्स जो हम लेके आते हैं, एक फैमिली मेंबर अपने परिवार में लेके आते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को ज़रूरी होता है वैसे ही हमारे छोटे जो पप्स होते हैं उसके लिए भी ज़रूरी होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टॉयज़ की। जो टॉयज़ होते हैं, खिलौना होते हैं, वो हमारे छोटे से पप्पी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये वो एज होता है जब उसको अटेंशन की ज़रूरत होती है और वो जो है खेलना चाहता है, बट हमारे पास समटाइम्स टाइम नहीं होता है और इसके वजह से जो है हम पप्पी को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे कंपनियां टॉयज बनाती है जो कि उसको इंगेज रखती है। और इससे बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी मिलता है कि आपका पप्पी जो है वो डिस्ट्रॉय च्यूइंग जो करता है, जो कि वो कहते हैं बाइटिंग करना या चबा जाना किसी चीज़ को, शूज को, सॉक्स को, कर्टन्स को, किसी भी चीज़ को जो भी उसके सामने आता है उसको चबाता है। तो ये जो टॉयज़ हम उसे देते हैं वो उसको इंगेज करके रखते हैं, उसको थकाती है, वो उसकी जो बाइटिंग होती है, जो मसल्स का जो ग्रो होता है, टीथ मसल, उसके लिए भी वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। और जिसके वजह से जो है उसको थोड़ा सा कम बाइटिंग करने की हैबिट होती है और वो बहुत ही अच्छा जो होता है उसके ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है, मेंटली भी अच्छा होता है, फिजिकली भी उसका होता है और टीथ का जो है एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो वो दांतों के एक्सरसाइज के लिए भी ज़रूरी होता है, इसीलिए टॉयज़ हम उसे ऑफर करते हैं। वैसे तो मैं उन्हें अभी छोटा मोटा बॉल दिया हूँ, बट उसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि पप्पी भी उसको इंगेज कर सके। तो इसको इंगेज करने के लिए मैंने एक ऑर्डर किया है अमेज़ोन से, जो कि मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा कैसा है, और मैं अपने पप्पी से भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि वो इसको कैसे जो है एक्सेप्ट करती है और कैसे ये खेलना चाहती है, उसके साथ कैसे इंटरेस्टिंग लगता है, कैसे इंगेज होता है, सारा रियल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इसी वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो या नया कुछ भी करूं अपने पप्पी के साथ तो मैं आपके साथ शेयर करूं और आप भी अपने पप्पी को वो सिखा सकते हैं, वो एक्सपीरियंस करा सकते हैं, वो चीज़ आपके साथ भी कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करना, जो कि है इसमें टॉयज है। आई होप कि जो है आप इसको देख रहे होंगे। खुल जा सकते हैं और ये निकल के आया है, जो कि एक चॉइस होती है। और ये देखिए चिकन शेप में है, जो कि एक्सक्यूजी है, ये बच्चा भी है। और आई होप कि पप्पी से लाइक करेगी। और मेरी जो लिली है ये बहुत एक्साइटेड है इसकी आवाज़ सुन के। लिली कम हियर, लिली कम हियर, लिली टॉयज, लिली कम हियर, लिली टॉयज कम हियर। हाय, तो ये मैं अभी देखता हूँ अपने लिली को इंट्रोड्यूस करता हूँ इस टॉयज के साथ, देखता हूँ कि वो कैसे इसको लाइक करते हैं, उसे कॉल करता हूँ। लिली कम हियर, लिली टॉयज, लिली कम हियर, लिली टॉयज, लिली टॉयज, गुड गर्ल। लिली अभी डर रही है, सोच रही है कि फर्स्ट टाइम है इसका टॉयज के साथ इंटरेक्शन, सोच रही है क्या है, बट आई होप कि ये जल्दी इसके साथ यूज हो जाएगी, फैमिली हो जाएगी और इसके साथ वो अचीव करेगी। और कैसा है नेक्स्ट गैजेट, नेक्स्ट टॉयज अगर कुछ भी लाता हूँ तो आपको दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बाय।